बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। एनटीए स्टेट फाउंडर की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। आज दोस्तों हमने पेपर शुरू किया था असिस्टेंट डायरेक्टर सिविल। ये पेपर पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा में 16/1/2022 यानी 16 जनवरी 2022 को ये पेपर हो चुका है, और उस दिन एक और पेपर भी हो चुका था, उसको भी अपलोड करूंगा। इस पेपर का पार्ट वन पेज नंबर वन ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं। इस वक्त पार्ट सेकंड है, लेकिन पेज नंबर तीन है, सेकंड पेज मुझे नहीं मिला है। अगर किसी दोस्त के पास सेकंड पेज है, क्वेश्चन नंबर 17 से 37 तक, आई थिंक 17 से 37 तक क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन है, अगर किसी दोस्त के पास हैं तो जल्दी से वो पेज मुझे व्हाट्सएप कर दें। तो आज शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 से। क्वेश्चन नंबर 38 देखें, क्वेश्चन नंबर 38 दिस वन, पोर्ट्स मेथड वर्क्स ऑन फ्लेक्सिबिलिटी मेथड, ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 39 देखें, 39, टू पास वन सेल्फ ऑफ एज, ये एक इंग्लिश ईडियम है, मुहावरा है, जिसके मानी है टू प्रिटेंड, यानी असल में आप कुछ और हैं और किसी को कुछ और जाहिर करना चाहते हैं अपने आप को, तो दिट इज टू पास वन सेल्फ ऑफ एज, ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 40 से के 40 नंबर, ही इज Ignorant of the new situation, आप लगेगा, he is ignorant of the new situation। 41 नंबर क्वेश्चन देखे, which of the following numbers give 240 when added to its own square, तो इसका तरीका ये है कि एक को स्क्वायर बनाते जाएं, 15 का अगर आप स्क्वायर ले लें तो 15 15 225 आएगा, 15 का स्क्वायर यानी 15 ज़रबे 15 इज इक्वल टू 225। अब 225 को 15 के साथ जमा कराना है या 225 के साथ 15 जमा कराना है, तो इसका आंसर आएगा 240। लिहाजा द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि क्वेश्चन कहता है कि जब उसके स्क्वायर के साथ उसको जमा किया जाए तो 240 आता है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 42, ये 10-1 है, 10-1 मीन्स, 10-1 मीन डी सी, ये ऑप्शन डी, डी ई सी आई डी सी। और 43 नंबर देखे, 43 नंबर, अकॉर्डिंग टू मॉइस्चर कॉन्टेंट सॉइल इज क्लासिफाइड इन स्टेट्स, फोर स्टेट्स, चार स्टेट्स में क्लासिफाइड किया जाता है अकॉर्डिंग टू मॉइस्चर, और वो है सॉलिड, सीमी सॉलिड, प्लास्टिक एंड लिक्विड। 44 नंबर क्वेश्चन देखे, 44 नंबर, प्लास्टिक लिमिट इज द मॉइस्चर कॉन्टेंट बिटवीन द प्लास्टिक स्टेट एंड, बिटवीन द प्लास्टिक स्टेट एंड द सीमी सॉलिड स्टेट, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 45 देखे, 45 नंबर, व्हेन द सॉइल कैन बी मोल्डेड इनटू एनी शेप, ये मोल्डेड का स्पेलिंग एक्चुअली MOU लिखा जाता है, लेकिन शॉर्टली इस तरह भी लिखा जाता है, इट इज कॉल्ड एज द प्लास्टिक स्टेट, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। 46 नंबर क्वेश्चन देखे, 46 नंबर, द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सिल्टी सैंड रेंज फ्रॉम 265 to 70, 2.5, ये इक्वली 2.67 या 2.65, ये भी ठीक है, 70 तक या 2.70 तक, ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 47 देखें, 47,
47 नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि इज द डिस्पर्सिंग एजेंट यूज फॉर द पार्टिकल्स साइज डिस्ट्रीब्यूशन बाय हाइड्रोमीटर एनालिसिस सोडियम एक्सामेथापॉस्फेट। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, 48 नंबर, द हाइट एट विच द पार्टिकल्स फॉल डाउन इज कॉल्ड एज द इफेक्टिव हाइट। ऑप्शन ए। 49 नंबर देखिए, 49 नंबर क्वेश्चन को, 49 नंबर क्वेश्चन रीडेबल नहीं है, नहीं रीड नहीं होता, अगर कोई रीड कर सकता है तो इसको क्लियरली कट के मुझे भेज दो। और 50 नंबर भी रीड नहीं होता, लेकिन इसका मतलब हमें पता चल जाता है। द अपरेटस यूज टू फाइंड द ग्रेविटी ऑफ सॉइल, फाइंड द सॉइल ग्रेविटी इज कॉल्ड व्हाट। सॉइल ग्रेविटी को पैमाइश के लिए जो पैमाना हम इस्तेमाल ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं उसको पाइसोनोमीटर कहते हैं। ये ऑप्शन ए इसमें करेक्ट ऑप्शन है। और क्वेश्चन नंबर 50 देखे, सॉरी 51, शी इज वीक इन ग्रामर, शी इज वीक इन ग्रामर। ऑप्शन बी है। 52 नंबर देखे, 52 नंबर क्वेश्चन को, चूज द करेक्ट सेंटेंस, चूज द करेक्ट सेंटेंस, यू शुड स्लोली रीड दिस पैसेज। गलत है, यू शुड रीड स्लोली, ये भी गलत है। ऑप्शन सी देखे, यू शुड रीड दिस पैसेज स्लोली, यू शुड रीड दिस पैसेज स्लोली, यस दिस इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 53 देखे, 53 नंबर, ऑल द पॉइंट्स लाइन ऑन अ लाइन आर सेड टू बी, ऑल द पॉइंट्स लाइंग ऑन अ लाइन आर सेड टू बी, तो दे आर कॉल्ड, दे आर सेड टू बी, ये ऑप्शन बी जो है ना कोलिनियर, इस तरह कोई लफज है, ये ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 54 देखे, 54 नंबर, फाइंड द लेंथ ऑफ अक्यूट इन डिग्री, अक्यूट एंगल डिग्री जो होता है वो 90 से कम होता है, तो ये 75, 65, 45, तो ये तमाम 75 से कम है, तो ऑल ऑफ अबव ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 55 देखे, 55 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि द रेशियो ऑफ द वेट ऑफ सॉइल सॉलिड्स एट अ गिवन टेम्परेचर टू द वेट ऑफ एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिस्टिलाइड वाटर इज कॉल्ड स्पेसिफिक ग्रेविटी। ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 56 देखे, फॉर लिक्विड लिमिट टेस्ट द ग्राफ इज प्लॉटेड अगेंस्ट मॉइस्चर कॉन्टेंट एंड नंबर ऑफ ब्लोज। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 57 देखे, 57, द हाइट ऑफ फॉल फॉर मॉडिफाइड प्रोटेक्ट प्रॉक्टर कंपैक्शन टेस्ट इज 18 इंच। ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन। और क्वेश्चन नंबर 58 आप दोस्त खुद हल करें और मुझे भी बताएं। इस तरह दूसरे पेज में भी आखिरी क्वेश्चन मैंने छोड़ा था, इसमें भी आखिरी क्वेश्चन आप दोस्तों पर छोड़ता हूं, इसका आंसर मुझे बता दो। आज की वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।